हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट लेवल वन स्पेशल एजुकेटर की क्या फाइनल कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों, राजस्थान में रीट लेवल वन का एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट आ चुका है, जो कि स्पेशल एजुकेशन में अलग अलग कैटेगरी में आया है, MR में, VI में और HI में। दोस्तों, तीनों कैटेगरी की कट ऑफ जनरल की अलग अलग गई है, OBC की अलग गई है, SC की अलग गई है, ST की अलग गई है। अब यहाँ पर जो कट ऑफ गई है उसमें 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ आएगी। जिन बच्चों का फाइनल कट ऑफ में नाम आएगा उनका ही सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं 2 बातें करने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है एंड क्या कट ऑफ जा सकती है फाइनल। तो आप देख रहे हैं ये वीडियो एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं इश्तियाक खान, स्पेशल एजुकेटर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, फायरफ्लाई इशू पर। और दोस्तों, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको TLM की जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे मैसेज करके TLM मंगा सकते हैं। अनमोल TLM सेंटर है, वहां से आपको TLM मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकते हैं। तो जून में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे ऐसा मानना है। अभी थोड़ा सा रिजल्ट डिले हो गया था, तो थोड़ी सी एकदम से कंफर्म कहना ठीक नहीं रहेगा। जून तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट चाहिए होगा। जब आपने ये रीट लेवल वन का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, तब जो भी प्रिंट मिला होगा आपको, वो प्रिंट आपको लेके जाना है। आपको 10th की मार्कशीट एंड जो सर्टिफिकेट है, दोस्तों मैंने यहाँ डिप्लोमा लिख दिया है, सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट। अगर दोस्तों किसी ने भी अगर CBSE से किया हुआ है और उन दोनों का एक साथ है, यानी कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा एक ही पेज पर है, तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशल BSTC, दिल्ली में इसको कहा जाता है DED स्पेशल एजुकेशन, राजस्थान में इसको कहा जाता है BSTC, जनरल BSTC कहा जाता है, और स्पेशल वाले को स्पेशल BSTC कहा जाता है। तो स्पेशल BSTC की जो सर्टिफिकेट है, जो यानी कि 4 सेमेस्टर का रिजल्ट है वो भी, ठीक है, और साथ ही साथ डिप्लोमा ये आपको चाहिए होगा। आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना, उसकी 2 फोटोकॉपी अपने साथ लेकर जाना। रीट का सर्टिफिकेट, रीट में आप क्वालिफाई है तभी आप इस एग्जाम को दे पाते। तो रीट आपने आप क्वालिफाई कर चुके होंगे नॉर्मल सी बात है। तो रीट का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई विधवा है तो विधवा का जो भी उसका सर्टिफिकेट है, कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसका PWD का सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट, ये आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। ये हो गई, और ये हो गई दोस्तों फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करें नॉन TSP की, MR कैटेगरी की सीट थी 1025 जो इसकी कट ऑफ गई है। मैं यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। देखो जनरल में भी कई सारी कैटेगरी थी, जनरल थी, फीमेल थी, विधवा थी, एक्स सर्विसमैन, सही कई सारी कैटेगरी थी। यहाँ पर सिर्फ मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि भाई OB जनरल की जो जनरल में कट ऑफ गई है वो गई है 167.1068। अब यहाँ पर इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है, तो मेरा मानना है कि सब में, मतलब सब में तो नहीं, ओवरऑल जो है 5 से लेकर 9 मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं फाइनल कट ऑफ में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि जनरल में बहुत ज्यादा तादाद होती है, तो 167 है और 175 मैंने रखी है फाइनल कट ऑफ। 175 मिनिमम है, 177 हाईएस्ट है, तो 175 से 177 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। और दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं OBC की, उसकी 153 गई है, तो इसके 5 मार्क्स मैंने बढ़ाए हैं, 158-160 के बीच में जा सकती है। अब यहाँ पर SC की बात करते हैं, 97 इसकी कट ऑफ गई है, इसमें मैंने 10 नंबर बढ़ाए हैं। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई 10 नंबर आपने क्यों बना दिए। मैं आपको बताऊं, राजस्थान में अधिकतर लोग जो है पिछड़ी जाति से भी आते हैं, मतलब काफी अधिकांश जो संख्या है वो अधिक पिछड़ी जातियों की है। तो अभी उन्होंने जब 2 गुना छात्र बुलाए हैं तो कट ऑफ को बहुत कम कर दिया है, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो जो मतलब SC कैटेगरी के लोग हैं उनमें कई लोगों के हाईएस्ट मार्क्स होंगे, तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। ऐसा ही जब दिल्ली की जो DED+3 की वैकेंसी आई थी 32/21 में, उसमें OBC के साथ हुआ था, OBC की सबसे ज्यादा कट ऑफ बढ़ी थी, 14 मार्क्स OBC के बढ़ गए थे, बाकी हर कैटेगरी के 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स बढ़े थे, बट OBC के 14 मार्क्स बढ़ गए थे। तो उस यहाँ पर मैंने SC के 10 मार्क्स यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। ST के भी सेम टू सेम 79 थे, तो मैंने 89 कर दिया है मिनिमम, और 91 मैक्सिमम। 146 है EWS की, मैंने इसके 9 मार्क्स बढ़ाए हैं, क्योंकि EWS का सर्टिफिकेट काफी लोग बनवा चुके हैं और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं EWS कैटेगरी के कैंडिडेट भी। तो ये जो EWS की 155 जा सकती है, ये तो बात हो गई MR की। अब यहाँ पर HI की बात करते हैं, 171 जो है वो कट ऑफ गई जनरल की, और 180 से 182 जा सकती है, 163 जो गई है वो गई है OBC की, तो मैंने 7 नंबर इसमें बढ़ाए हैं, 170 से 172 के बीच में जा सकती है, और 124 से 100 जो गई है 124 से 130 से 132 जा सकती है HI में। SC की ST की जो है 108 गई है, 107 से 109 तक। दोस्तों यहाँ पर 108 अगर कट ऑफ गई है तो इसको 117 कर लेते हैं,
117 से लेकर 119 तक जो है कट ऑफ जा सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में 158 कट ऑफ जो गई है, तो ये कट ऑफ बढ़कर तकरीबन ईडब्ल्यूएस में मैं काफी मार्क्स बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का अभी चरण चल रहा है, यानी कि समझ रहे हो ना, जैसे स्पेशल एजुकेशन का एक क्रेज होता है तो सबको स्पेशल एजुकेशन करता है, तो अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी चल रही है, मान्यता है, तो अगर मैं एलिजिबल हूँ उसके कैटेगरी में आता हूँ तो मैं जरूर अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाऊंगा। तो काफी लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो उस वजह से ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की भी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, 168 से 170 के बीच में जा सकती है कट ऑफ। और VI की बात करते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट की, तो 168 गई थी जनरल की, 175 से 170 के बीच में जा सकती है, और 163 गई थी ओबीसी की, 170 से 172 के बीच में जा सकती है, और 150 गई है एससी की, इसमें मैंने 8 नंबर बढ़ाए हैं, 158 से 60 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं एसटी की, 122 कट ऑफ गई है, 130 से लेकर 132, यानी कि मैंने इसमें 8 से 10 मार्क्स बढ़ाए हैं मिनिमम, ये वाली कट ऑफ जो है मिनिमम, ये वाली जो है वो मैक्सिमम है। और ईडब्ल्यूएस में 157 कट ऑफ गई है, 167 से 169 के बीच में जा सकती है। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जून में हो जाएंगे, और जो भी उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बाद क्या क्या होना है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल एजुकेशन पर मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैंने जो पहले कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उससे भी लगभग थोड़ा आसपास रहा था मेरा जो अनुमान था, इस बार ये उम्मीद है कि ये अनुमान सही जाए। बाकी आप लोगों का सुझाव, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सभी का जो सुझाव है वो स्वागत योग्य है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।